हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी फूड वर्ल्ड। आज हम मैंगो कस्टर्ड पुडिंग बनाने जा रहे हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी चीनी पीसेंगे। एक बड़ी कटोरी कटे हुए आम लिए हैं। अब इन दोनों को फिर से एक साथ पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है जो कि 1 कप है। अब इन तीनों को एक साथ फिर से पीस लेंगे। अब कढ़ाई में सारा पल्प डालेंगे और उसके बाद 1 कप पानी डालेंगे। अब इसे हम स्लो फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो जल जाएगा। चम्मच को कढ़ाई की तली से लगाते हुए चलाते रहिएगा और अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा बैटर थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। घी डालने से देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। मैंने कटे हुए बादाम के साथ ही कुटी हुई इलायची भी डाल दी है। दोस्तों, इसे आप ऐसे चलाते रहिएगा जब तक अच्छी तरह से थिक ना हो जाए, तब तक अपने हाथ को रोकिएगा नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा बैटर काफी अच्छे से थिक हो गया है। अब इसे हम थाली में डालेंगे। थाली को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था और आप लोग भी जब भी आप ये आम कस्टर्ड पुडिंग बनाएं तो पहले से ही जिस बर्तन में डालना हो उसे ग्रीस करके रख लें। थोड़े से खरबूज के बीज अंदर डाल देंगे और थोड़े ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। अच्छे से स्पून से हल्का हल्का दबा देंगे जिससे कि खरबूज के बीज अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे रख देंगे। तीन से चार घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे अच्छे से पीसेज में काट लेंगे।
दोस्तों, मैंने पीसेज में कट करके आपको दिखा दिया है। अगर आपसे पीसेज में ना निकले तो आप कटोरी में भी रखकर सर्व कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।